फीफा वर्ल्ड कप 2022 लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। फ्रांस की तरफ से 2 गोल दागे गए, वहीं मोरक्को की टीम एक भी गोल कर पाने में नाकामयाब रही। मोरक्को को सेमीफाइनल मैच में हराकर फ्रांस की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। वहीं मोरक्को की हार से उसके प्रशंसक काफी नाराज दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साए प्रशंसकों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस के साथ साथ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी काफी उत्पात मचाया। आपको बता दें कि मोरक्को की टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। मोरक्को ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कई दिग्गज टीमों को मात दी थी। इस बार मोरक्को के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि उनकी टीम फ्रांस को हराकर फाइनल में प्रवेश करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। मोरक्को की हार के बाद उनके फैंस ने ब्रसेल्स के साउथ स्टेशन के पास पुलिस पर पटाखे और अन्य सामान फेंके। इसके साथ साथ गुस्साए समर्थकों ने कचरे के थैलों और बॉक्सों को आग के हवाले कर कई जगह पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दंगा भड़काने की कोशिश में लगे लोगों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में उत्पात मचाते हुए कुछ मोरक्को के फैंस को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वहीं ऐसा ही घटनाक्रम फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी देखने को मिला, जहां फ्रांस की जीत के बाद फ्रांस और मोरक्को के फैंस सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस में बड़ी संख्या में मोरक्को के प्रवासी रहते हैं। फ्रांस मोरक्को के लोगों को संरक्षण देता है। वहीं फ्रांस से मिली हार के बाद मोरक्को के फैंस काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। वहीं मोरक्को को मात देने के बाद फ्रांस की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जहां उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा।